हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मजे में? ग्रेट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पता है बच्चों? एक मजेदार एक्टिविटी। देखो बच्चों, जब आप खेलते कूदते हो तो खूब एनर्जी यूज होती है और फिर बार बार भूख भी लगती है। तो शाम की छोटी मोटी भूख के लिए आइए बच्चों, अपने नन्हे मुन्ने हाथों से कुछ मजेदार सा बनाना सीखते हैं। इस एक्टिविटी में अपने किसी बड़े की हेल्प लें, उन्हें चटनी प्रिपेयर करने के लिए कहें। चटनी क्या होती है बच्चों? चटनी बहुत सारे मसालों का मिक्सचर होता है, जैसे कि ग्रीन चिली, कोरिएंडर, गार्लिक, मिंट, सॉल्ट एक्सेट्रा। इन्हें ग्राइंड करके पेस्ट बनाना होता है और यूं आपकी चटनी रेडी हो जाती है। तो आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी। अपनी बाल भारती बुक ओपन करें टू पेज नंबर 48, लेसन नंबर 4, टेस्टी ट्रीट। ट्राई दिस एंड टेल द अदर्स। इसे बनाएं और दूसरों को भी बताएं। टेक टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ब्रेड के दो स्लाइसेस लें। स्प्रेड सम बटर ऑन द साइड ऑफ ईच स्लाइस। ब्रेड के दो स्लाइसेस लें बच्चों। बटर लें और बटर नाइफ की हेल्प से उन दोनों स्लाइसेस पर कुछ बटर अप्लाई करें। नाउ स्प्रेड सम चटनी ऑन द बटर। अब जो साइड पे आपने बटर लगाया है उसी साइड पर प्रिपेयर की हुई ग्रीन चटनी अप्लाई करें। पुट वन स्लाइस बटर साइड डाउन ओवर द अदर स्लाइस। अब दोनों चटनी और बटर लगी हुई स्लाइसेस को दूसरी दो ब्रेड के साथ एक दूसरे पर ओवरलैप कर दें। स्प्रेड सम चटनी ऑन द बटर। अब एक स्लाइस पर जिस पे बटर लगा हुआ है उस पर चटनी अप्लाई करें। पुट वन स्लाइस बटर साइड डाउन ओवर द अदर स्लाइस। अब बटर लगी हुई दूसरी स्लाइस पर चटनी और बटर लगी हुई जो स्लाइस है उसको ओवरलैप कर दें। प्रेस अ लिटिल, थोड़ा सा प्रेस करें, दबाएं। योर सैंडविच इज रेडी। और बच्चों आपका सैंडविच रेडी है, बिल्कुल टेस्टी और मजेदार सा सैंडविच रेडी हो गया है। यू कैन यूज सॉस, हनी, जैम, शुगर, चीज, एनीथिंग यू लाइक इन योर सैंडविच। बच्चे इस मजेदार से सैंडविच में वेरिएशन देने के लिए आप अपने ब्रेड के दोनों स्लाइसेस के बीच में अनियन यूज कर सकते हैं, अनियन स्लाइसेस यूज कर सकते हैं, टोमेटोज के स्लाइस यूज कर सकते हैं, आप चीज का एक स्लाइस के बीच में ऐड कर सकते हैं। इससे आपका सैंडविच ना और ज्यादा टेस्टी हो जाएगा और इसको एक नई वेरिएशन भी मिल जाएगी। और अगर आप नॉन वेज खाना भी पसंद करते हैं तो इन ब्रेड के स्लाइसेस के बीच में आप श्रेडेड बॉइल्ड चिकन भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इससे आपका सैंडविच तो और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा। ये तो हुई नमकीन या स्पाइसी सैंडविच की बात। आप अपने सैंडविच को और भी वेरिएशन देने के लिए ब्रेड के स्लाइसेस पर जैम अप्लाई कर सकते हैं एक स्लाइस पर, और दूसरे स्लाइस पर बटर अप्लाई करके दोनों को ओवरलैप करके एक अच्छा सी स्वीट सैंडविच बना सकते हैं। फिर इसमें और भी वेरिएशन देने के लिए आप इन दो स्लाइसेस के बीच में, ब्रेड के दोनों स्लाइस के बीच में डिफरेंट फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे बनाना है, कीवी है, स्ट्रॉबेरीज है। स्लाइसेस को ओवरलैप करके आप ऊपर से चॉकलेट सिरप भी पोर कर सकते हैं। इससे आपका स्वीट सैंडविच और भी ज्यादा डिलिशियस हो जाएगा। तो बच्चों जरूर ट्राई करना अपने किसी बड़े की हेल्प के साथ शाम की छोटी मोटी भूख के लिए इन डिलिशियस और टेस्टी सैंडविचेस को। बच्चों चलते हैं अपनी सेकेंड एक्टिविटी पर। रीड एंड मेक बनाना डिलाइट यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। बच्चों क्या आपको अपना पिछला चैप्टर सरप्राइज फॉर ग्रैंडमा याद है? उसमें उस लेसन में सोहन और स्वीटी ने अपनी प्यारी ग्रैंडमा के लिए क्या बनाया था, क्या प्रिपेयर किया था किचन में अपने दादाजी की हेल्प से? बनाना डिलाइट। सो यार, आज हम यहाँ पर बनाना डिलाइट बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए वो दिया हुआ है और इंस्ट्रक्शंस दी गई है प्रिपेयर करने के लिए। तो अब हम जल्दी से झटपट पढ़ लेते हैं
और ट्राई करेंगे इसे भी बनाने की। यू नीड टू बनानास, वन कप मिल्क, 4 टीस्पून शुगर, 2 बनाना, 1 कप दूध और 4 टीस्पून शक्कर। व्हाट यू डू? पील द बनानास। बनानास की स्किन को रिमूव करें, पील करें। मैश द बनानास इन अ बोल। अब इन पील आउट किए हुए बनानास को एक बोल में रखें और एक फोक की हेल्प से इन्हें मैश करें। एड द शुगर। अब इन मैश्ड बनानास में आप 4 टीस्पून शुगर ऐड करें। पोर द मिल्क इनटू द बोल। अब 1 कप मिल्क जो है वो इस बोल में पोर करें। स्टर वेल विद अ स्पून। एक स्पून की हेल्प से इस सारे मिक्सचर को स्टर करें, प्रॉपरली मिक्स करें। एंड नाउ योर बनाना डिलाइट इज रेडी टू सर्व। आप अपनी इस डिलाइट को वेरिएशन देने के लिए बनाना की जगह मैंगो, चीकू या दूसरे किसी पल्पी फ्रूट का यूज भी कर सकते हैं। बड़े ही टेस्टी और डिलिशियस होने के साथ साथ ये जो डिलाइट्स होते हैं ये बड़े ही हेल्दी भी होते हैं, तो अपने किसी बड़े की मदद से जरूर इस चीज को प्रिपेयर करें। बच्चों, यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है। वीडियो से रिलेटेड एक स्मॉल टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बच्चों, अपने पेरेंट्स की हेल्प से उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और देखें आपने लेसन कितना समझ लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में लेसन नंबर 5, मी माई सेल्फ एंड आई के साथ। तब तक के लिए बच्चों, इस टेस्टी और डिलिशियस सैंडविचेस और डिलाइट को जरूर ट्राई करें। अगर हमारे वीडियोस आपको हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगते हैं तो प्लीज सबसे पहले लाइक बटन को प्रेस करें और फौरन अपने स्कूल और ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कर दें। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए स्टे फिट, हेल्दी, एंजॉय डिलीशियस ट्रीट। बाय।